सो है गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे BGMI में रूम क्रिएट किया जाता है। अगर कोई बंदा आपको चैलेंज कर देता है कि तू मुझे टेस्ट में, TDM में या फिर क्लासिक में हरा के दिखा, तो ऐसे में आपको रूम क्रिएट करना पड़ता है। अब जो आगे की स्टेप रहने वाली दोस्तों, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रूम क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है लॉबी में, और लॉबी में आने के बाद दोस्तों आपको इन्वेंट्री में आ जाना है। इन्वेंट्री में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो रूम कार्ड है, वो रूम कार्ड पे आपको टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद उसके नीचे आपको यूज़ करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो यूज़ वाला ऑप्शन है, इस पर टैप करके यहाँ से भी आप रूम क्रिएट कर सकते हो, या फिर लॉबी में आने के बाद यहाँ पर जो मैप वाला ऑप्शन है, इस मैप पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रेनिंग के साइड में रूम का, तो इस पर टैप कर देना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्रिएट रूम। इस पर टैप करने के बाद आपके पास जो भी रूम कार्ड्स होंगे उनके ऑप्शन आ जाएंगे। तो मेरे पास दो टाइप के रूम कार्ड है, एक वन डे का और एक वन टाइम यूज़ का। तो मैं यहाँ पर जिस रूम कार्ड से क्रिएट करना है रूम, वो रूम कार्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर वन डे रूम कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यूज़ पर टैप करता हूँ। यूज़ पर टैप करने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। अब नीचे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, यानी कि 24 आवर में आप कितने बार भी रूम क्रिएट कर सकते हो। तो रूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट रूम पर टैप कर देना है, और इस पर टैप करने के बाद आपका स्क्रीन पर इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इरेंगल मैप देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप क्लासिक मैचेस सिलेक्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग मैचेस होते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आपको ऑल वेपन का मैप देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप क्विक मैचेस सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सैनहॉक, मिरनमर, वीकेंडी, इन्वेंट्री और भी यहाँ पर बहुत सारे मैप देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने सारे मैप्स खेले होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन अगर आप TDM मैच खेलना चाहते हो तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं और TDM मैचेस कैसे सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो TDM मैच खेलने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने रूम का नेम चेंज कर सकते हो। तो मेरा जो रूम का नेम है वो मेरे ID का नेम है, तो यहाँ पर जो भी मेरा नाम है वो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप TPP या फिर FPP मोड सिलेक्ट कर सकते हो, आप कौन से मोड पर गेम प्ले करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप स्क्वाड में खेलना चाहते हो, डुओ खेलना चाहते हो या फिर आप सोलो खेलना चाहते हो, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिल जाएगा पैरामीटर का ऑप्शन। अब यहां पर दो ऑप्शन है, लॉक और अनलॉक। अगर आप रूम में पासवर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप पासवर्ड टाइप कर सकते हो, कुछ भी जो आपको पासवर्ड सेट करना है, जिसके बाद कोई भी अननोन बंदा, कोई भी बाहर का बंदा आपके गेम प्ले में एंटर नहीं कर पाएगा, आपके मैच में एंटर नहीं कर पाएगा। और अगर आप इसको अनलॉक रखते हो तो आप किसी भी बंदे को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो बिना पासवर्ड का, आपका कोई भी फ्रेंड यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। तो सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर क्रिएट रूम पर टैप कर देना है। अब अगर मैप सिलेक्ट करते समय आपने बाय मिस्टेक इरेंगल मोड अगर सिलेक्ट कर लिया होगा, तो यहाँ से आप दोबारा से इन्वेंट्री सिलेक्ट करके TDM मैच लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है TDM सिलेक्ट करने का। अब यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से आप अपने किसी भी फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो, जिसके साथ आपको गेम प्ले करना है। और यहाँ से वही बंदा आपके साथ गेम प्ले कर सकता है जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो, जो ऑलरेडी आपका फ्रेंड हो। और यहाँ से दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कितने बंदों को अलाउ करना है स्पेक्टेट करने के लिए, कितने बंदे आपका मैच देख सकते हैं। एंड फाइनली स्टार्ट प्रिपरेशन पर टैप करके आपको मैच स्टार्ट कर लेना है, जिसके बाद कुछ टाइमर आएगा, और टाइमर के बाद आपका जो मैच है TDM वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप बहुत ही ईजी तरीके से रूम क्रिएट कर सकते हो।